नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नीट यूजी 2024 में कितने मार्क्स आपको लाने होंगे, लगभग कितनी रैंक आपकी रहेगी, तब जाकर आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। तो रैंक वाइज आज अपन कट ऑफ का डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट ईयर के कुछ जो सेलेक्ट जो अच्छे कॉलेज है उनका मैं एग्जांपल आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। कुछ अच्छे जो कॉलेज है जिनकी हाई रेपुटेशन है उन कॉलेज का एग्जाम्पल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, उनकी लास्ट रैंक कितने तक गई थी, कैटेगरी वाइज सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। MBBS, BSc नर्सिंग, GNM, ANM सब के बारे में जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दी जाती है, तो चैनल को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। MBBS में सिलेक्शन लेने के लिए इतने अंक पर हो जाएगा, अगर आपके लगभग इतने अंक इतनी रैंक आपकी आ जाती है तो आप इस रैंक के अकॉर्डिंग अपना इन कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हो। लास्ट ईयर की रैंक का आइडिया मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लगभग जो रैंक वाइज जो लास्ट क्लोजिंग रैंक रही थी, किस रैंक पर फर्स्ट राउंड में किस रैंक पर कौन सा हॉस्पिटल या कॉलेज मेडिकल कॉलेज मिल गया था, सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। स्पेशली इसमें एम्स को मैं फोकस करूँगा कि जो सबसे हाई फाई होते हैं वो एम्स ही होते हैं, और एम्स के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेसिक, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग जिस कॉलेज के आप कट ऑफ पूछोगे वो मैं बताऊंगा। आपको कमेंट कर देना है, कमेंट करके छोड़ देना है, आपकी जो भी डिमांड होगी उस डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो ला दूंगा, ठीक है। हर दिन आपको शाम को 9 बजे एक वीडियो मिलेगा जो MBBS, BSc नर्सिंग इनके एडमिशन से रिगार्डिंग आपके लिए रहने वाला, स्टडी विद द यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो नीट कट ऑफ 2024 फॉर MBBS गवर्नमेंट कॉलेज की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें कितनी कैटेगरी है। सारी पाँचों कैटेगरी की मैं बात करूँगा, जनरल की बात करूँगा, EWS, OBC, SC और ST सबकी अलग अलग कैटेगरी की बात करूंगा। फर्स्ट राउंड की ये 2023 में जो कट ऑफ गई थी रैंकिंग, लास्ट कितने नंबर पर आपका एडमिशन क्लोज हो गया था इस कैटेगरी में, तो वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो टॉप मोस्ट कॉलेज है जिसको बोला जाता है एम्स दिल्ली, किसी भी फील्ड में चल जाओ सबसे आगे देखा जाएगा। तो जनरल में जो लास्ट रैंक गई थी, जो क्लोजिंग रैंक रही थी, वो रही थी फर्स्ट राउंड में 57, जिसकी रैंक अंडर 60 थी उनका सिलेक्शन एम्स दिल्ली में हो गया था। हालांकि फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ था, लेकिन जिनकी 60 के अंडर थी उनको सेकंड राउंड में एम्स दिल्ली मिल गया था, लेकिन फर्स्ट राउंड में 57 वाले को एम्स दिल्ली मिल चुका था। अगर EWS की बात करें तो जिसकी रैंक 223 थी उसको एम्स दिल्ली मिला था। OBC में जिसकी रैंक 255 थी उसको एम्स दिल्ली, SC में 989 थी उसको एम्स दिल्ली, और ST की बात करें तो जिसकी रैंक 1624 थी उसको एम्स दिल्ली अलॉटेड हो गया था। इसके बाद बात करते हैं अपन सेठ GS मेडिकल कॉलेज मुंबई की, तो इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें 656 वाले को जनरल कैटेगरी से मिल गया था ये कॉलेज, और EWS में 2856, OBC में 2879, SC में 14361, और ST में अगर बात करते तो 15397 रैंक वाले को सेठ GS मेडिकल कॉलेज मुंबई मिला था। अगर बात करें BGMC पुणे की बात करें तो 1892 में जनरल कैटेगरी को 4743 रैंक, EWS कैटेगरी में 4548, OBC में, यहाँ पर OBC की जो रैंक गई है वो इसकी तुलना में EWS की तुलना में, SC की यहाँ पर 30836, और ST की बात करें तो 57650 पर ये कॉलेज मिला था। लेकिन ये ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूँ मैं, ना कि कैटेगरी वाइज रैंक, कैटेगरी वाइज काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की जो रैंक रही थी AIR है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ क्लोजिंग रैंक। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, जिपमर पौंडेचेरी की, तो जिपमर पौंडेचेरी 277 पर जनरल कैटेगरी में, 1350 में EWS और 591 OBC, 3630 SC और ST में 11584 गई थी। जो टॉप मोस्ट कॉलेज है उन्हीं का आज मैं जिक्र करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप जिस कॉलेज की डिमांड करोगे कमेंट बॉक्स में उसका जिक्र करने वाला है। अगर बात करें SMS की, तो SMS की जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी रैंक वाइज, इनके मार्क्स वाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस आपसे करने वाला हूँ। तो रैंक वाइज जो रही गई थी 1057 SMS में जनरल की, 2013 EWS की, और 1884 OBC, 18444 SC और 1479 ST कैटेगरी की। बात करें मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली की, तो 85 जो टॉप 100 में रहे थे उनको मौलाना आज़ाद कॉलेज मिलने की पूरी संभावना थी। 85 जनरल कैटेगरी की, 321 EWS, 397 OBC, 1225 SC और ST की गई 3171।
इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज है, बीजी मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। 714 रैंक है जनरल की और ईडब्ल्यूएस की 2019 रैंक पे और 2345 रैंक किसकी है, ओबीसी की। साथ ही साथ एससी की अगर 2257 रैंक थी उनको एससी में मिल गया था और एसटी में जो 25092 पर ये मिला था। तो दोस्तों एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि जो रैंक के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैटेगरी में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है, जनरल कैटेगरी में और एससी एसटी में हज़ारों में अंतर देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी के अकॉर्डिंग इस साल भी रैंक आपकी रहने वाले 2024 में, इसमें आप इतना सा मानकर चल सकते हो कि प्लस माइनस 10 रैंक आपकी हो सकती है। प्लस माइनस नंबर नहीं बोल रहा मैं, प्लस माइनस 10 रैंक आपकी हो सकती है, लेकिन आपको मिल जाएगा ये कॉलेज अगर इतनी इतनी रैंक आप ले आते हो तो। तो टारगेट आज ही फिक्स कर लेना कि हम मुझे यही रैंक लानी है, तो बस आपको सिलेक्शन इस कॉलेज में लेना है तो मुझे इतनी तो रैंक लानी ही पड़ेगी, तब जाके मुझे मेरा सिलेक्शन होगा। ये बात आपको आज ही डिसाइड कर लेनी है और कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। एम्स भुवनेश्वर की मैं उससे पहले एम्स भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूँ, 491 1617 AWS की, OBC की 1017, 6199 SC की और 17653 ST की। कोलकाता मेडिकल कॉलेज कोलकाता की मैं बात करूँ तो 2103 पर जनरल में, 4593 AWS और 3961 OBC, 14792 SC और 57498 ST कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर गई थी, रैंक यहाँ पर गई थी। अगर बात करें VMMC सफदरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में जो पड़ता है, इसकी 107 पर मिला था जनरल कैटेगरी को, 338 रैंक पर EWS को मिल गया था लास्ट, OBC में 491 और SC में 2084 पर और ST में 3252 पर ये कॉलेज मिला था सफदरगंज वाला। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्स पटना जो बिहार में पड़ता है, 1417 रैंक पर एम्स पटना मिला था लास्ट टाइम जनरल वालों को, 2239 पर EWS वालों को मिला था, 2085 रैंक पर OBC को और 15079 पर SC को और 39688 को ST कैटेगरी में एम्स पटना मिल गया था। कौन सा मिल गया था? एम्स पटना मिल गया था भाई। ठीक है, तो ये जो रैंक वाइज है मैंने सारा डेटा आपको दे दिया है। इसके बाद जो दो कॉलेज बचे हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई और दूसरा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। तो इनकी बात करते हैं, तो सबसे पहले मद्रास में जनरल कैटेगरी की गई थी, कितनी 7747 रैंक वालों को मिला था और लेडी हार्डिंग जो 485 पर मिला था जनरल को। अगर मद्रास कॉलेज की बात करें तो EWS को यह 3911 पर मिला था, जबकि लेडी हार्डिंग जो दिल्ली में पड़ता है ये 1620 पर मिल गया था। अगर OBC की मैं बात करूँ, OBC कैटेगरी में मद्रास मिला था 1165 पर और लेडी हार्डिंग 1124 पर। इसी के साथ अगर हम बात करें मद्रास चेन्नई वाले की, तो 9393 SC कैटेगरी वाले को मिल गया था और इसी के साथ साथ 9328 पर ये लेडी हार्डिंग मिला था SC वालों को। बाकी अगर मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई की बात करते तो 55138 पर ये ST कैटेगरी के कैंडिडेट को मिल गया था, लेकिन लेडी हार्डिंग जो मेडिकल कॉलेज है वो 8039 रैंक पर ही मिल पाया था किसको, ST कैटेगरी वालों को। तो ये मैंने वीडियो आप सभी के लिए बनाया था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करना, आपका कमेंट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस कमेंट के अकॉर्डिंग हम आपके लिए वीडियो लाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिएगा कि कौन से कॉलेज का आपको जानकारी चाहिए, कौन से कॉलेज के बारे में आपको अपडेट चाहिए, सारी जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा। कौन से कॉलेज की कट ऑफ जाने, कौन से के मार्क्स जानने RTI लगा के कैसे भी मैं आपके लिए रिप्लाई दूँ, लेकिन मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। तो आपका फ़र्ज है कमेंट करने का और आंसर देने का फ़र्ज है मेरा। तो दोस्तों वीडियो तो अच्छा ही लगा होगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।